आए मेरे साथ। क्या कर रही हो शमीम? चले ना, बैठें खा लेंगे। नहीं खाना मुझे, खाना। ऐसे कैसे चलेगा छोटी बीबी? कल से आपने कुछ नहीं खाया, और अगर अब भी नहीं खाएंगी तो इस तरह आप जिंदा कैसे रहेंगी? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही तो मैं कह रही हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर के लोग भी यहाँ की दीवारों की तरह पत्थर के हो चुके हैं। असद साहब तो वहां खुश हैं, तो फिर आप क्यों ऐसे शख्स के लिए जान दें जिसे आपकी परवाह ही नहीं? जान तो वो मेरी ले गया, मारी तो डाला मुझे। मत करें ऐसी बातें, आप क्यों जान दें ऐसे बेहिस लोगों के लिए? अब देखें ना, इस घर में आपकी किसी को परवाह नहीं। बड़ी बीवी को ही देख लें, तैयार हुई, नाश्ता किया और ऑफिस चली गई, पूछा तक नहीं आपका, फिर आप क्यों हलकान करती हैं खुद को? चलें शाबाश, चलें खाना खाने, आए मेरे साथ, बैठे खाना शुरू करें, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ, चलें बैठे। काशिफ, मुझे अलग रहना है। क्या? क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मुझे अलग घर लेकर दो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है वहाँ, मैं नहीं उनके साथ रहना, आराम से रहूंगी अपने घर में। No question about it. ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मैंने कौन सा तुम्हें चांद तारे तोड़कर लाकर देने को कह दिया है? ये चांद तारे तोड़ कर ला कर देने से भी ज्यादा मुश्किल बात है। मैं अपने पेरेंट्स को किसी सूरत में छोड़ सकता। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? मैं मामा से हेल्प ले लेती हूँ, उनके पास बहुत पैसे हैं। प्लीज अपनी मामा के पैसों का भरम मुझे ना दिखाओ। और मसला क्या है तुम्हें उस घर में? आजादी, फ्रीडम। उस घर में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, किसी चीज का फ्रीडम नहीं है मुझे, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती मैं। एक्टिविटी मींस ये नशा। आज के बाद तुम कुछ भी नहीं करोगे, भूल जाओ। ठीक है, मानता हूं मैंने तुम्हें इसका आदी बनाया, अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूं तुम इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाओगी, बस खत्म। काशिफ नदा प्लीज, बहस नहीं चल, मैं भी नहीं करूंगा। बचपना था, गलती हो गई, अब हमारी शादी होगी, कल को हमारे बच्चे होंगे, ये सब कुछ खत, बस। कैसी हैं आप? वो आज मैं जल्दी फ्री हो गया तो सोचा शाम की चाय आपके साथ पी जाए। मुझे पता नहीं था कि तुमने भी अपने चेहरे पे एक मास्क चढ़ाया हुआ है। क्या मतलब? तुम जानते थे ना कि असद ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, मुझसे लगी लिपटी बातें करते रहे। जिस दिन जान गया था उसी दिन से आपके हक में बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम क्यों मेरे हक में बोलोगे? तुम भी तो इसी खानदान से हो ना जिनका दिल पत्थर का खून सफेद है। बहुत घमंड है ना तुम लोग को अपनी दौलत पर, इंसानों को डिस्पोजेबल चीज समझकर इस्तेमाल करके फेंक देते हो। तुम क्या जानो मेरे एहसास, मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स को? आखिर तुमने भी तो अपने कजन का ही साथ दिया ना। ज़ारा ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं कभी भी झूठ और गलत बात का साथ नहीं दे सकता। बस करो, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़कने आकर खुदा के लिए। ज़ारा प्लीज मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक खुदगर्ज, बेहिस, बिगड़ा अमीर ज़ादा हूँ? अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो ना तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है।
यकीन करो तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी बात सुनने वाला, तुम्हारे दर्द को महसूस करने वाला सिर्फ एक मैं ही हूँ।